और ये मांटू भाई वाला पीछे राइट पे आ रहा है, आपके राइट पे आ रहा है, राइट पे, और मेन जीटी रोड पे ये बाइक के ऊपर उल्टा लेट के पैर इसने पीछे सीधे किए हुए थे। क्या बात है यार, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई यार जैसे एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। दिसंबर की ठंडी खूबसूरत सुबह, हल्का सा सूरज निकलना शुरू हो रहा है। सुबह की 7:36 हुए में मैं अपना चाय का कप लेके यहाँ पे खड़ा हूँ। फाइनली भाई बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज हमारा शुरू हो रहा है बाइक ट्रिप। और हम लोग लाहौर से कहाँ जा रहे हैं, बाइक ट्रिप में क्या होगा क्या नहीं, मैं आगे डिटेल सारी बताता हूँ। फिलहाल आप सिर्फ भाई की स्वेटशर्ट चेक करो, मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुकी है जैसा कि आपको पता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मर्चेंडाइज का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाके देखो, जो जो पसंद आए उठाओ और मुझे बताना कौन सा आर्टिकल सबसे ज्यादा पसंद आया। ये कैप बॉय डिजाइन है आपके सामने और बड़े मजे मजे के डिजाइन है। खैर अभी फिलहाल मुझे चाय पीनी है, चाय पी के नीचे बाइक पे पेनियर्स लगाने हैं, पेनियर्स लगाने के बाद तैयार होना है, तैयार होकर फिर हमने निकलना है। तो पहले मैं ये काम कर लूँ। मैंने सोचा निकलने से पहले शिकरे की थोड़ी सी सफाई कर ली जाए। अच्छा भाई हमारा जो ट्रिप है वो यहाँ से शुरू होगा लाहौर से और हम लोग जा रहे हैं हुंजा। शिकरे इज़ रेडी, सिर्फ मेरे अब रेडी होने की देर है और हम लोग निकलेंगे लाहौर से हुंजा। जिस तरह मैंने आपको बताया गिलगित बल्तिस्तान का ट्रिप है, लेकिन 10% चांसेस है कि हम हुंजा से आगे जा पाएंगे। मेरे ख्याल से 10% भी नहीं है क्योंकि हुंजा से आगे बहुत ज़्यादा स्नो होगी। अल्लाह करे कराकरम हाईवे हर जगह से सही खुली हो क्योंकि वो पूरा साल ओपन होती है, हम बेशाम वाली साइड से जाएंगे। खैर वो सारी डिटेल मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा क्या क्या मुश्किल आ रही हैं दिसंबर में शदीद सर्दी में हुंजा का ट्रिप, और बीच में हमें कहीं पे स्नो मिलेगी, कहीं अल्लाह खैर करे बस सब ठीक ठीक हो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, शिकरा पेनियर्स के साथ फुल रेडी है और मैं आपको बता देता हूँ मैंने पेनियर्स को रैप करवा लिया है, मैट ब्लैक रैप है और साथ में ये स्टिकर्स मैंने बनवा के लगाए हैं, ये रिफ्लेक्टर्स मैंने सारे लगवाए हैं क्योंकि रात को फिर ये चमकते हैं और वैसे लुक में भी बहुत अच्छा लगता है और कलर भी इसके साथ मैच हो रहा है। इस तरफ भी मार्कोर है, इस तरफ भी मार्कोर है और इस तरफ भी मार्कोर है। ऊपर यूट्यूब का स्टीकर है, इधर भी यूट्यूब का स्टीकर है, इधर भी यूट्यूब का स्टिकर है और बैक साइड पे भी यहाँ यूट्यूब है। यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम लिखेंगे अभी और यहाँ पे ये दो स्टिकर्स मैंने लगाए हैं, यहाँ पे एक यूट्यूब का स्टिकर है। तो फिलहाल कुछ इस तरह की बाइक की जो है वो लुक बन रही है। अभी कुछ स्टिकर्स रहते हैं मेरे लगाने वाले, वो भी मैं लगाऊंगा, फिलहाल तो रेडी हो लूँ। भाई आपका तैयार हो चुका है फुल टाइम और वेरी हैप्पी फीलिंग्स, एक साल के बाद मैं ट्रिप करने जा रहा हूँ बाइक ट्रिप, तो बाइक मेरा रेडी है, मैं रेडी हूँ, अब हम निकलने लगे। माशाल्लाह शिकरा इज़ रेडी फॉर द ट्रिप और ज़िंदगी रही तो ट्रॉफी, इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक तुम सब्र करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु वल हय्युल क्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, मा फिस समावाति वा मा फिल अर्ज़ मन ज़ा लज़ी यश्फ़ौ अल्लाह। सब बाद में, सबसे पहले पेट्रोल। अस्सलामु अलैकुम, हाय युक्तेन, कार्ड पेमेंट है 100 रुपये की टैंकी फुल टैंकी फुल कर दो यार फुल कर दो बस, चलो बस 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 बस। 20 लीटर का इसका टैंक है, 13.75 लीटर अभी डला है, बाकी पहले था। हमारा बिल बना है 3655। ट्रिप पर जा रहे हैं मैं और गौरसी, अभी यहाँ से मैं जाऊँगा फिरोजपुर रोड पे इचरा के पास, हम लोग दोनों ज्वाइन करेंगे और वहाँ से आगे फिर हम लाहौर से बाहर निकलेंगे। मौसम बहुत ही खूबसूरत है, ठंडा ठंडा सा है। अभी मैंने अपने सूट का जो है वो लाइनर वगैरह नहीं लगाया, लाइनर हम लगाएंगे इस्लामाबाद क्रॉस करने के बाद, या हो सकता है भाई आधे रास्ते में कहीं शाम को लगाना पड़ जाए। आज का हमारा स्टॉप हो गया इस्लामाबाद, हमने सोचा आज सीधा ही जो है ना एक साल के बाद मैं तो राइड कर रहा हूँ। गौरसी साहब अभी ईरान से होके आए हैं, वैसे वो भी एक बड़ी मज़े की स्टोरी है, मैं बताऊँगा आपको बाद में। खैर बड़ा खूबसूरत मौसम है। अच्छा इस सीरीज़ का जो नाम है, जैसे कि आपको पता है मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुकी है, तो मर्चेंडाइज का जो टाइटल है इस दफ़ा वो है मुसाफिर, लेकिन मुसाफिर तो पहले मेरी स्कर्दू सीरीज़ का नाम हो चुका है और पहली हमारी हुंजा सीरीज़ थी वाइल्ड वेंचर, जो आप लोगों को बड़ी पसंद आई थी, आज तक आप लोगों को बड़ी पसंद है। अल्लाह करे ये ट्रिप भी आप लोगों को वैसे ही पसंद आए और मैं भी उसको वैसे ही इन्जॉय करूं, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन ट्रिप था। सिर्फ बाइक ट्रिप नहीं, ओवरऑल मेरे जितने भी ट्रिप्स हैं उनमें से एक वन ऑफ़ द बेस्ट ट्रिप था वो हुंजा वाला, जो मैं बाइक पर गया था। खैर इस सीरीज़ का नाम हम दे रहे हैं परिंदा बेफिक्र परिंदा बेफिक्र नाम देने का मकसद ये है कि हमारी जो मुसाफिर मर्चेंडाइज है, मुसाफिर तो नाम हो गया पहले, उसमें एक आर्टिकल है जिसका बड़ा कैचिंग सा नाम है परिंदा बेफिक्र। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पूरी मर्चेंडाइज देखोगे आपको वहाँ भी नज़र आएगी वो हुडी। तो खैर उस पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ
परिंदा बेफिक्र और ये सूट भी करेगा मेरा ख्याल है सीरीज़ को, क्योंकि इस बार हम ये सोच के निकल रहे हैं कि अल्लाह खैर करे 8 दिन में ट्रिप हो गया, 8 दिन में वापस आ जाएंगे, 15 दिन में ट्रिप हुआ, 15 दिन में वापस आ जाएंगे, जैसा जैसा मतलब रास्ते मिलते गए, जैसी जगह मिलती गई, माहौल बनता गया, तो कोई इस ट्रिप में हम जल्दी नहीं कर रहे कि नहीं नहीं हमने इस तारीख को वापस पहुंचना, ऐसा कोई सीन नहीं है। खैर नहीं है, हट जो सानू लाहौरों बस बाहर निकलन दो। हमने 9 बजे निकलने का सोचा था, 9:57 हो चुके हैं। पता है इंटरनेशनल राइडर हो, ब्रेक नहीं लाओगे? कार्ड वहाँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार? मैंने तो कार्डो अभी तक फ़ोन से भी कनेक्ट नहीं किया हुआ। अब हम इकट्ठी होगी, गौरसी को पूछ रहे हैं क्या मज्जा नु टीके लान जा रहे हो? चलो सुबह सुबह के टाइम अंदरून लाहौर से मुझे जिस कदर मोहब्बत है, उतनी ही इस टाइम मुझे नफरत है अंदरून लाहौर से। सुबह आप अगर फजर के बाद आओ और तकरीबन 8, 8:30, 9 बजे तक भी, 8:30 तक आपको लाहौर का अंदरून ऐसी वाइब देगा कि आपको लगेगा कि आप किसी फलसफे में, किसी अफसानवी दुनिया की गलियों में जो है ना वो फिर रहे हो। ऐसा है लाहौर, एक जादू है लाहौर सुबह के टाइम। लेकिन इस टाइम ओए होए होए भाई, इतनी जलालत कि आपकी सोच है। अब ये देखो मतलब ट्रैफिक रूल कोई नहीं, वो तो वैसे ही माशाल्लाह वो तो हम है ना, वो तो खुद रूल तो छोड़ ही दो। ये चलती रहती है लाइट। अस्सलाम वालेकुम, ये बाइक्स जो है ना इनकी लाइट बंद नहीं होती। ब्लॉग बनाते हैं? हाँ ब्लॉग बनाता हूँ। नंबर प्लेट का पूछ रहे थे आप? आगे नहीं होती। अच्छा अच्छा, हाँ पीछे लगी होती है, आगे जगह नहीं है। उसकी साइड पे है। आपको भी शौक है टूरिंग का? है, नहीं नहीं नौकरी तो ज़रूरी है। बड़ा यंग सा बॉय था यार, है ना? यार मुझे लग रहा था कि दिन में ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी, जिस तरह से हवा है ना वो घूम रही है पूरी जैकेट के अंदर, बहुत मतलब मुझे तो, मैं तो इसको इन्जॉय कर रहा हूँ, इस मौसम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ। खैर अभी पहले हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सियालकोट, सियालकोट जाएंगे, सियालकोट से फिर इस्लामाबाद जाएंगे। सियालकोट जाने की वजह ये है कि जो लुकमान भाई हैं, अगर आपने मेरी कुछ वीडियोस में देखा है जिन्होंने मुझे ये राइडिंग बूट्स और ये राइडिंग सूट और ये चीज़ें सारी दी थी को बीजे इंडस्ट्रीज़ वाले, तो वो लुकमान भाई ने मुझे कोई 1 साल 1.5 साल से कहा हुआ है कि आपने मेरे पास सियालकोट आना है, तो वो चक्कर ही नहीं लग रहा था। इस दफ़ा मैंने लुकमान भाई को मैसेज किया कि मैं जा रहा हूँ बड़े ठंडे इलाके में, तो मुझे जो है ना वो ग्लव्स दें, वो वाले हीटिंग ग्लव्स होते हैं, वो जाके मैं आपको दिखाऊंगा। वो कहते हैं अगर इस दफ़ा ट्रिप पे तुम सियालकोट ना आए रास्ते में तो हमने जीटी रोड के ऊपर धरना दे देना है। तो खैर लुकमान भाई के पास आज हम जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, चाय शाय पियेंगे सियालकोट में, फिर हम लोग वापस आएंगे। मेरा ख्याल है कि जीटी रोड से सियालकोट हमें 1 घंटा ऑफ रूट जाना पड़ेगा और 1 घंटा वापस जीटी रोड तक आना पड़ेगा, फिर हम इस्लामाबाद कंटिन्यू करेंगे। वरना आज हमने सोचा था कि लाहौर से निकल के हम राइड करेंगे बेशाम तक। कॉफ़ी के शौकीन हो हैं? लेवल हो गया, स्टारबक्स लेके आए हूँ, वहाँ पियेंगे ठंड में। स्टारबक्स नॉट स्टारबक्स, द ओरिजिनल स्टारबक्स यू नो। गुजरांवाला। खैर गुजरांवाला में से कोई सड़क मुड़नी है सियालकोट के लिए। गुजरांवाला क्रॉस करके हम लोगों ने ब्रेक लिया है सियालकोट के रास्ते में। इसको ज़रूरत है ब्रेक की, हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि नया बाइक है, तो इसका ऑयल चेंज करवाना है हमने सियालकोट पहुंच के, तो इसलिए लंबे लंबे स्ट्रेच नहीं मार रहे। सियालकोट कितना दूर है यहाँ से? 55। वहाँ जाके चेंज करना ऑयल कर देंगे ताकि आगे का सफर हमारा। 5-7 मिनट का ब्रेक था सिर्फ। मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 500 किलोमीटर इसके मुझे कंप्लीट करने हैं, जो कि मैंने नहीं किए, तो जो कंपनी ऑयल होता है उसमें इतना ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए बाइक को, तो इसलिए हम स्लो जा रहे हैं, तो स्पीड भी नहीं दी ज़्यादा, 80-90 की स्पीड पर जा रहे हैं। अभी सियालकोट जाके ऑयल चेंज करेंगे, उसके बाद इसको हम तसल्ली से चला पाएंगे। सियालकोट कितना है यहाँ से? 70-80-90? 55 किलोमीटर बस। मैं तो सोच रहा था लाइनर इस्लामाबाद से आगे जाके लगाएंगे, मुझे तो लग रहा है अभी लगाने पड़ जाने हैं।
जेलम से आगे जरूरत पड़ेगी ना। अभी यार थोड़े से बादल आए हैं, सूरज गायब हुआ है कोई 10 मिनट के लिए और एकदम से सर्दी लगनी शुरू हो गई है। वो सूरज ने हल्का हल्का ज़रा ना माहौल बनाया हुआ था थोड़ा सा। और ये किधर आ रहा गाड़ी वाला? हाय स्टूपिड। बाबे सियालकोट, वेलकम टू सियालकोट। और राह दे दो, ढिल्लू हाउस है चौधरी। लोकेशन रोको, पूछ लें। आगे वो गली में से राइट होना है, घर यही है लेकिन वो कोई और उस तरफ दरवाज़ा है। हम लोग पहुंच चुके हैं सियालकोट में लुकमान भाई के घर, ये घर है। आगे से हम राइट होंगे, एक और गेट है वहाँ पे। और चलो चलो चलो, घर है कि फैक्ट्री है ये? इधर ही लगा दूं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब क्या हाल चाल? ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, कैसे? ठीक ठाक। हेलो, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अच्छा अंदर आके हम लोग बैठे हैं। ये लुकमान भाई का बेटा है, क्या हाल है भाई? क्लास कौन सी बता रहे थे मुझे? ब्लू क्लास। लुकमान भाई इन्हें तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? सादा चाह पानी तो सोच के आया सी मैं, बहुत है बस। गौरसी साहब सारी चीजें होममेड है, जबरदस्त। आज लुकमान भाई नहीं टिक रहे यार, अभी इन्होंने पिज्जा और फिश वगैरह लगाई हुई थी, अभी खाना आ गया। क्या क्या बनाया जी मौलवी साहब? ओए होए 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 होए, क्या बात है यार, क्या बात है। ये मंदी है, ये इसकी टोमेटो चटनी, बारबेक्यू इस तरफ की है जी, मटन। लें जी, ये होती है बदकिस्मती, सामने खूबसूरत मंदी पड़ी हुई है और ये बंदा कह रहा है कि मैं मटन नहीं खाता। है कोई गल करने वाली? यार देख रहे हो इसकी मीट की, चेक कर रहे हो टेंडरनेस का लेवल कैसे नजर आ रहा है। हाय हाय हाय, क्या बात। भाईजान तुसी आप दसो, ये काम है करने वाला? चाह के नहीं यार, इस खाने के मास्टर शेफ आप हैं? आपके उस्ताद हैं? माशाल्लाह, अंडे को पूरा डिजाइन किया इन्होंने, एवल अंडा बनाया, चेक नहीं किया तुमने? अंडे की आंखें, मुंह, कान। मास्टर शेफ से छोटे शेफ आप हैं? हेल्पर शेफ। वो मुझे बार बार आगे कह रहे हैं कि आपने जितना डाला ये इतना ही खाना, और चीजें भी खानी है आपने। मतलब वो कह रहे हैं सारी चीजें खा के मुझे बता के, मैं सारा बता के जाऊंगा क्या कैसा लगा। अभी तक तो चस आ रही है। इस सारे खाने के शेफ ये हैं सर, बड़ा बेहतरीन खाना बनाया आपने। कब से बना रहे हैं सर? मैं तकरीबन 7-8 साल से। इधर ही नहीं, इधर तो मुझे 2 साल हो गए। इधर 2 साल हो गए हैं। सही सही सही, बहुत ही आला खाना भाई, शुक्रिया भाई। ओए होए होए, क्या खाना था, क्या खाना लुकमान भाई। खैर लुकमान भाई से ताल्लुक मेरा शुरू कदों ऐसे लुकमान भाई? दो साल जो तो बाइक लिया। जी जी, बाइक लिया तो बेसिकली लुकमान भाई का सारा काम जो है, मैंने आपको पहले भी 2-3 वीडियोस में बताया हुआ है, कोबीजा इंडस्ट्रीज सारी इटली और यूके के अंदर। मैं इनको पहले भी कहता हूँ पाकिस्तान में भी कोई ब्रांचेस खोलेंगे, ऐसी नहीं करते, उतर जा रहे हैं। खैर माशाल्लाह, अभी खैर हम लोगों ने खाना शाना खाया, अभी बैठ के चाय शाय पियेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। और ये बंदा मटन होते हुए मटन नहीं खाया, दाल बहुत अच्छी होती है। वेजिटेरियन। खैर भाई और मैं जो है वो लुकमान भाई के बड़े भाई हैं, तो हम इकट्ठे ही जो है वो हज पे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी थी, तो अब फाइनली हो गई है। ठीक है, चलो डन। अभी खैर ये इनका फॉर्म हाउस है, यहाँ बैठ के हम लोग खाना शाना खा रहे थे, पीछे इनके घर शहर हैं सारे। और अभी फिलहाल हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे ऑयल चेंज करवाना एक जगह। ओए इतना खाया यार, सफ़र कैसे होना है?
माशाल्लाह इतना खूबसूरत ही इन्होंने अपना फार्म हाउस बनाया हुआ है। और साथ इधर ही आसपास फैक्ट्रियाँ फुक्ट्रियाँ, मुझे स्टोरी बता रहे थे कि हमारे अब्बू ने 60,000 रुपये के अंदर काम शुरू किया था, 60,000 रुपये से। अस्सलामु अलैकुम बॉस, थैंक यू। खाना बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़े का था। वो क्या थी आखिरी डिज़र्ट जो, वो मीठा क्या था? कॉटन डिलाइट। कॉटन डिलाइट, क्या बात। इन्होंने एक एंड में कॉटन डिलाइट खिलाई है हमें। ओफ यार, वो इतनी मज़ेदार चीज़ थी, डिज़र्ट था। आप सोचो लोटस केक टाइप और ऐसा ऐसी एक चीज़, बहुत ही मज़े की थी वो। और इस टाइम इनकी यूरोप में पता नहीं 25-30 ब्रांचेज हैं, उसके अलावा यूके में, अब यूएस में लॉन्च होने वाला है। तो खैर, ग्लव्स भी मेरे आ गए हैं, पीछे पेनियर में मैंने रखे हैं हीटिंग ग्लव्स, वो मैं आपको इस्लामाबाद पहुँच के दिखाऊँगा। आहा, मैं तो होंडा ही लेसा यार, मुझे लगता है इनके पास ऑयल फिल्टर खोलने वाला औजार नहीं होना। फिल्टर खोलना है सिर्फ, ये फिल्टर खोलने के लिए प्लास नहीं यूज होता वो गोल सा जो। ये यहाँ पे एक वर्कशॉप है, इसमें अब देखेंगे शायद इनके पास वो टूल पड़ा हो। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, ऑयल फिल्टर खोलने वाला वो पड़ा है? की होया जहाज अच्छा बंदा मैं भी इसी तरह नहीं है। मैनु लग रहा मैं फैसलाबाद खड़ा। सर मोहब्बत, मैं हूँ इंशाल्लाह अलग बाइक ट्रिप तो अलावा मैं एक दिन का वादा या दो दिन रहना वा। चलो ओके जी भट्ट साहब, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी लाजमी। ओके भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। टाइम हो चुका है जी 3:44 और हम लोग आए थे गुजरांवाला वाले रास्ते से, गुजरांवाला से सियालकोट। ओ तेरी ओए कुत्या, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं सियालकोट से वजीराबाद, यहाँ से वजीराबाद निकलेंगे है ना। ओए यार, वो मैंने मंदी इतनी टिका के खाई है, और वो बनी हुई थी क्या, पूरा वो बकरा जो है ना वो तंदूर में डाल के और वो बनाया हुआ था, लजीज तरीन था। अब नींद आनी शुरू हो रही है, इतना खा लिया, पूरा जिस्म मसरूफ हो गया उसको हजम करने में। और ये 125 वाला पीछे राइट पे आ रहा है, आपके राइट पे आ रहा है, राइट पे। कितना बदतमीज है यार ये, यार ये जो बच्चा है ना, ये छोटा सा बच्चा है ब्लू जैकेट वाला जो जा रहा है, और मेन जीटी रोड पे ये बाइक के ऊपर उल्टा लेट के पैर इसने पीछे सीधे किए हुए थे, ये चलती फिरती लाश बन के जा रहा था। अभी ये देखो, अभी भी ये तीन बाइक से ये आपस में ये सारे जो है ना वो लगे हुए हैं, बदतमीज हुए हुए हैं सारे ये। चलो जरा तेज निकालो, ये बड़ी गंदी बाइक चला रहे हैं ये लड़के जो है ना। हाँ बड़ी गंदी बाइक चला रहे हैं, इनमें से एक आधा अल्लाह माफ़ करे जैसी हरकतें कर रहे हैं ना इधर। या मेरे मौला, मुंडिया की बस हो गई एकदम, इतनी सर्दी हो गई है। मतलब अभी हम इस्लामाबाद से कितना 70 किलोमीटर पीछे हैं, 70 किलोमीटर पीछे हैं, और सर्दी ने मतलब अब वो हालत हो गई थी कि रुके, क्योंकि हमने लाइनर शाइनर कुछ भी नहीं लगाए हुए थे, हमें लग रहा था इस्लामाबाद क्रॉस करके ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन अभी से भाई हालत और दूसरी अपडेट ये है कि हमेशा मेरे साथ ट्रिप ऐसी कोई ना कोई हरकत होती है, एक दाना यहाँ निकलना शुरू हो रहा है, एक यहाँ पे निकल चुका है। आओ चाय से कोई पता करें। अस्सलाम वालेकुम, चाय है जी बगैर चीनी के? मिल जाएगी, एक चीनी वाली एक बगैर चीनी वाली। चाय पी है, चाय पी के अभी ऐसे नाक में से पसीने आ रहे हैं, लाइनर लग गए और गले में ये पहन लिया, क्या कहते हैं यार इसको, कुछ कहते हैं गर्म करने वाली चीज, हाँ गले को गर्म कर। यहाँ से हवा नहीं जाएगी। और अपने समर ग्लव्स जो मैंने पहने थे रख दिए, ये जो कोबीजा के ग्लव्स हैं जो आज लुकमान भाई ने मुझे दिए, वो मैं पहनने लगा हूँ, क्योंकि ये विंटर ग्लव्स हैं, ये वो वाले नहीं है जो मैं आपको बता रहा था हीटिंग वाले, वो अभी अंदर पड़े हुए, वो मैं आपको इस्लामाबाद पहुँच के दिखाऊंगा, क्योंकि उसका पूरा सिस्टम आपको समझाऊंगा मैं। खैर ये पहन के भी निकलते हैं और पहुँचते हैं इस्लामाबाद।
इस्लामाबाद पहुंचे, पहुंच के चेंज किया, फ्रेश हुए हम लोग इस टाइम में वारसी की सिस्टर के घर, और बड़ा बेहतरीन किस्म का खाना बना हुआ था। आज खाना डे हो गया, पुलाव था, कीमा था, चिकन कोरमा था, शामिया थी, कबाब थे, बहुत मजे का खाना था। उसके बाद खैर बैठ के चाय शाय पी, गप्पे शप्पे मारते रहे। अभी मैं अपना ये डाटा वगैरह ट्रांसफर कर रहा था और सारा एडिट शेडिट कर रहा था। हीटिंग ग्लव्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक राइट एक लेफ्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। ओए होए होए होए। अच्छा जी, अब ये ग्लव्स हैं और यहाँ पे आपको पावर बटन नज़र आ रहा है। ये काम कैसे करता है? इसके साथ हैं जी इसका चार्जर और बैटरीज। ये अब सारी मैं इसको क्या इतना खोल खोल के आपको दिखाऊँ। ये इसकी बैटरी, और यहाँ पे ये एक पॉकेट बनी हुई है। इस पॉकेट के अंदर एक तार है, ये तार, ठीक है। ये बैटरी इसके साथ कनेक्ट होती है और इस पॉकेट के अंदर पूरी हो जाती है। मतलब आप बैटरी इसके साथ कनेक्ट करके इसमें डाल देते हो। डालने के बाद फिर क्या होता है, इसको आप ऐसे बंद कर देते हो, और यहाँ से अभी तो बैटरी डालूंगा तो ये ऑन होगा, अभी ऑन नहीं होगा। तो इसको ऑन करने के बाद थोड़ी देर में आपको ऐसा फील होना शुरू होता है कि हीट आ रही है, हीट आ रही है, और एकदम से पूरा ग्लव जो है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ गर्म हो जाता है। मैंने वहाँ पे सियालकोट में बैठे हुए इसको ट्राई किया था, तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि यार क्या टेक्नोलॉजी है। उन्होंने मुझे समझाया कि इसके अंदर एक ऐसा मटीरियल लगा हुआ है, छोटा छोटा वो धागे की तरह की चीज़ें जो बैटरी उस चीज़ को गर्म करती है, जिसकी वजह से पूरा लेदर गर्म हो जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी लिख करें, भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। मर्च का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको चेक कर लेना। और कल हम लोग सुबह यहाँ से निकलेंगे, अभी रात को 12 बजने लगे हैं और सुबह हमने यहाँ से 7 बजे इंशाल्लाह 7 या 8 बजे हमने यहाँ से निकलना है और जाना है बेशाम। तो अल्लाह हाफिज़।